हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो हम लोगों ने क्या देखा लास्ट लेक्चर में, हमने देखा कि जो जीआईएफ था तो जीआईएफ रिलेटेड हम लोग की जो सॉल्विंग थी वगैरह हमने देखी, ठीक है। तो जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसमें ये चीजें पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और लोगों को कन्फ्यूज भी करता है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी वगैरह देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो जो ये टॉपिक है, मैं यहाँ पे स्पेशल टॉपिक ले रहा हूँ आपके लिए। और ये जो चीजें हैं, ये जो भी बंदे लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले वो लोग लास्ट वीडियो देखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पे जीआईएफ पढ़ा दिया है और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में मैं बस उसी चीज का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये बस उसी का समझ लो, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसको समझने, इसको समझने के लिए आपको जीआईएफ की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ठीक है। तो आप होप मैं करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर देख के आए होंगे, जो लोग देखकर डायरेक्टली कंटिन्यू करें और जो लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, वो लोग पहले लास्ट लेक्चर देख के आए, ठीक है। जो मैंने ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन पढ़ाए और सारे टॉपिक जो पीछे के देखते हो, क्योंकि वो आपको करने ही करने होंगे, ठीक है। तो जो मैं टॉपिक मुझे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को देखो, अपन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अगर मैथ्स में रिप्रेजेंट करते, जैसे हम लोग जीआईएफ रिप्रेजेंट कर रहे थे, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन, ठीक है। तो वहां पर रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से, इसको बोलते थे जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन, ठीक है। आपने तो ऑलरेडी बहुत पढ़ा इसके बारे में। आप देखो जो नया नोटेशन, अगर आपको कहीं ऐसा मिले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो डेफिनेशन वाली वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, वो होती है, अगर किसी x का तुम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले रहे हो तो तुम्हारी आती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। क्या आती है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये नोट डाउन कर लो, ये जो पॉइंट है, ठीक है। अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कुछ कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्लियर होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग, नोट कर लिया ना। जैसे आप पहले मैं दिखाता हूं, अब डेफिनेशन तो आपको पता चल गया ना, डेफिनेशन तो आपको पता चल गया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स का क्या होता है, यही होता है, ठीक है, एक्स माइनस इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, भली बात ही फंक्शन हो गए इससे, ठीक है। जैसे मैं 6.2 का लेता हूं, चलो मैं आपको लेकर दिखाता हूं इसका क्या होता है। इसे मान लो आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछा 6.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, सिंपल सी बात है, इसी फॉर्मूले में रख दो। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 6.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 6.2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6.2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.2 माइनस ऑफ, ये 6.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 6 होगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 आ गई थी, है ना। चलो एक और लेते हैं, अब मान तुम्हारा ले लिया मैंने 3.3, इसका निकाल के बताओ क्या आएगा। तो इसका देखो बहुत सिंपल है, क्या आएगा, बहुत सिंपल है, 3.2 और माइनस इंटीग्रल फंक्शन ऑफ 3.2, इसकी वैल्यू आएगी 3.2 माइनस ये वैल्यू 3 होगी, है ना। तो कितनी आई, सॉरी 3.3 है ना, क्या लिख रहा हूं मैं, 3.3, ठीक है, ये आपका आ गया 0.3, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। अब देखो एक चीज तुम देख रहे होगे पॉजिटिव नंबर के केस में, क्या है कि जैसे 6.2 का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो तो कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है, 3.3 का फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो क्या आ रहा है, 0.3 आ रहा है। तो मतलब तुम समझो यार, डायरेक्ट तरीका समझो कि किसी भी अगर कोई जैसे नंबर तुमको दिया हुआ, मान लो कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी नंबर दिया हुआ है, मतलब जैसे आपको मान लो 3.7 दिया हुआ है, ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट निकालना है,
तो आप इतना लंबा लिखने की जगह बस ये देख लो पॉइंट के बाद क्या है, बस वही पॉइंट में लिख दो। जैसे पॉइंट सेवन है यहाँ पे, बस पॉइंट सेवन लिख दो। जैसे तुमसे मैं पूछूं 4.6 का इंटीग्रल पार्ट, अरे फ्रैक्शनल पार्ट, तो क्या आपका आएगा? पॉइंट के बाद क्या है? सिक्स है ना, तो आपका क्या आएगा? ये 0.6, ठीक है कि नहीं? अभी दिखाता हूँ और कुछ आपको। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हर चीजों का अप्लाई होता है, चलो देखते हैं। अभी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है? अभी जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। मान लो जैसे हम लोग ले रहे हैं कि सिक्स का हम लोग वो निकालना है, मान लो तुमको सिक्स का वो निकालना है, सिक्स का कर्ली तुमको दिया हुआ है, ठीक है? ये निकालना है तुमको, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन निकालना है इसका, ठीक है? इसमें तुम क्या करोगे, इसको लिखोगे सिक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्स, है ना? कुछ और लिखोगे? करो देखो कितना आ रहा है, करो इसको, कितना आएगा इसका? इसकी वैल्यू आएगी सिक्स माइनस सिक्स, गलत लिखा मैंने, बराबर क्या आया? जीरो, ठीक है? और अगर आप लोग ऐसे मान लो कोई और नंबर लिए इंटीग्रल फाइव ले लिए, तो फाइव की क्या आएगी? फाइव माइनस फाइव बराबर जीरो। इवन तुम जीरो ले रहे काम, तो जीरो का कर ली निकाल दो, क्या आएगा? जीरो माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ जीरो, कितनी आएगी? जीरो, ये भी जीरो ही आएगा इंटीग्रल पार्ट, जीरो। अब मान तुमने लिया माइनस 1.2, ठीक है? नहीं माइनस 1 लेना, ठीक है? पहले तुमको माइनस 1 ले लो, माइनस 1 में क्या आएगा? माइनस 1 में आएगा माइनस 1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस 1, इस वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? माइनस 1 का इंटीगल पार्ट क्या होता है? माइनस 1 ही होता है, कुछ और होता है? माइनस 1 ही होता है, क्योंकि किसी भी इंटीग्रल का जो इंटीग्रल पार्ट निकालते हो क्या आता है? मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि किसी भी अगर इंटीग्रल का आप इंटीग्रल पार्ट निकालते हो तो हमेशा वही नंबर होता है, ठीक है? तो ये आपका नंबर हो गया, ठीक है? तो ये माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना होगा? जीरो होगा। मतलब क्या देखा यहाँ पे आपने? जैसे मान लो आपने लास्ट टाइम देखा था कि जब कोई अगर पॉजिटिव नंबर का अगर फ्रैक्शन ले रहे हो इसका, इसका तो मान लो 0.2 आता है, लेकिन जैसे कोई अगर आप इंटीजर नंबर ले, जैसे 6 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, माइनस 1, सबके क्या आ रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन? क्या आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं, है ना? क्या आ रहे हैं? जीरो तो आ रहे हैं। किसी भी अगर आप एक इंटीजर नंबर का लोगे, कोई भी एक इंटीजर नंबर हो, ठीक है, इंटीजर नंबर, जैसे अब याद मत करो इसको, ठीक है, बस ये समझ जाओ कि क्या होता है। जैसे मान लो आपने 5 लिया या 6 का, किसी का भी आप लोगे, सबकी वैल्यू क्या आएगी? कर्ली में जीरो ही आएगी। जैसे आपने अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 लो, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 लो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 7 माइनस 7। सीधी बात, अगर आप कभी भी, अब कभी भी आपको दिख जाए कोई भी इंटीजर नंबर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है? तो वो किसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ये चीज बड़े आसान थी यार, बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि चीजें हैं क्या, ठीक है? तो जैसे किसी भी अगर इंटीजर नंबर का निकाल रहे हो, इसका जैसे कर रहे हो आप, ठीक है, अगर इसे इंटीजर फंक्शन का निकाल रहे हो आप, तो इंटीजर में क्या है? किसी भी अगर इंटीजर फंक्शन का आप निकाल रहे हो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, तो हमेशा क्या आ रहा है? वो जीरो आ रहा है, ठीक है? और अगर किसी पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट का निकाल रहे हो, जैसे 3.2 हो गया, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको बस ये देखना है कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट क्या है? 0.2 है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे 0.2 लिख दो, ठीक है? आप थोड़ा निगेटिव भी देख लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि तुम्हारा होता माइनस 1, तो माइनस 1 भी क्या है? इंटीजर ही है, और एक इंटीजर का मैंने क्या बताया? फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन क्या होगा? हमेशा जीरो होगा, है ना? जीरो होगा, जीरो होगा। अब चाहे तुमको माइनस 5 दे, क्या आएगा इसका? जीरो आएगा, है ना? कुछ अलग आएगा, देख लो इसको, कर लो। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? तो चलो अभी कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं। तो आपने क्या बने, आपने सीखा क्या इसमें अभी तक? क्या सीखा? किसी भी अगर इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट निकालना हो तो क्या लिखना है? जीरो लिख देना, जीरो आएगा ही आएगा, आपने देखा। अगर किसी पॉजिटिव नंबर जैसे मानो 0.3 0.4 है, उसका अगर हम लोग को फ्रैक्शन पार्ट निकालना है, तो जो भी पॉइंट के आगे है बस वही वाला पार्ट लिख देते हैं आंसर में। जैसे मान लो 1.3 है तो 0.3 हो गया, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं अपन ने। चलो कुछ निगेटिव नंबर का देखते हैं, निगेटिव फ्रैक्शन पार्ट देखते हैं क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कुछ लोग बोले चलो इसका निकालो -6.7 निकालो, इसका क्या आएगा? बाय डेफिनेशन जाओ, दिक्कत होगी तो सीधे डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोलती है -6.7 लिखो इसको, और माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 6.7, है ना?
कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू क्या आएगी -6.7। अब माइनस इंटीग्रल ऑफ -6.7 क्या होगा, ये क्या होगा, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, -6.7 यहां बना लू, ठीक है। पीछे का नंबर क्या होगा -7, आगे का नंबर -6, गलत बनाया मैंने, यही होगा, यही कहीं होगा -6.7 बीच में, तो पीछे वाला इंटीजर क्या आया, क्या आया -7, इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या गई इसकी वैल्यू -7 है ना, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस, तो 7 -6.7 है, ठीक है, वैल्यू क्या गई 0.3। गलत बोला, चलो मैं कौन लेता हूं -7.2, इसका करो, करो खुद करो इसका, तो एक काम करता हूं, बहुत सिंपल है यार, सेम तरीका, ठीक है, तो मैं भी करता हूं हम लोग के साथ में, ठीक है। तो मेरे को अगर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, -7.3 का आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो क्या होगा -7.3 माइनस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ -7.3, ठीक, क्या जाएगा आपका -7.3 माइनस ऑफ -8 आएगा, है ना, -7.3 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा -8 आएगा, नहीं आता तो आप नंबर लाइन पे चले जाया करो, ठीक है, जब भी कंफ्यूजन हुआ करो तो नंबर लाइन पे चले जाया करो, मैं आपको बताता हूँ। अब माइनस माइनस क्या होगा +8, 8 -7.3 कितना आ गया 0.7, है ना, तो क्या क्या देख रहे हो, निगेटिव नंबर में तो ऐसा नहीं हो रहा है, निगेटिव नंबर में ये नहीं, जैसे पॉजिटिव क्या सीखे थे, अगर ये आपका 7.3 होता तो आप क्या लिखते थे, तब तो आप बोलते सर बड़े मजे से 0.3 है ना, है, लेकिन निगेटिव में नहीं हो रहा है, निगेटिव में क्या रहा है -0.3 है तो सीधे 0.7 आ रहा है, जैसे भी आप -0.67 है तो अभी अगर पॉजिटिव में होता 0.67 तो क्या लिख देते, तब तो लिखते आप 0.7, है ना, लेकिन निगेटिव में -0.67 तो क्या है 0.3। लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर तुम ऑब्जर्व करो, पता क्या ऑब्जर्व करो, जैसे 0.3 देख रहे हो ना, है ना 0.3, तो मतलब क्या, अगर तुमको देखोगे ये जो भी आ रहा है तुम्हारा 0.3 आ रहा है, ठीक है, अगर 1 में से 0.3 कटा हुआ तो कितना आएगा, कितना आएगा 0.7, तो आंसर में क्या आ रहा है 0.7। अब देखो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तुम भले तुम्हारा आंसर 0.7 मान लो तुम्हारा पॉजिटिव में आता, लेकिन यहाँ निगेटिव 0.67 है, तो तुम बताओ, लेकिन पॉइंट के बाद क्या 0.7 है, और 1 में से 0.7 कटाओ कितना आएगा, 1 में से अगर आप 0.7 कटाओ कितना आएगा 0.3, और कितना आंसर आया 0.3। मतलब निगेटिव में तुम रूल पकड़ो, क्या रूल पकड़ लो, कि तुमको तभी वही देखना है, निगेटिव में भी क्या देखना है कि पॉइंट के बाद का नंबर क्या है, तो जो भी पॉइंट के बाद का नंबर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं तुमको सिखा रहा हूं, तो आप दिमाग में रूल लिख लो, ठीक है, तुमको रूल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से, ठीक है, कि देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो रूल्स लिख लो, जैसे अगर किसी भी अगर आप इंटीग्रल वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी इंटीरियर हो, ठीक है, कोई भी अगर इंटीरियर का आपने निकालना सीखा, तो क्या बोला आपने, इंटीरियर का क्या होता है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में ऐसा क्या होता है, जीरो होता है ना, है ना। और एक चीज और लिख लो, एग्जाम्पल्स में देख लो आप, अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर जैसे मान लो आपका आ गया 0.17, तो सर क्या इंटीरियर फंक्शन क्या होगा, क्या होगा इसका, बड़े बड़े बता दो, पॉइंट के बाद क्या दिखता है 0.17, तो आंसर क्या जाएगा 0.17, 7.3 होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर 7.3 का अगर हम लोग देखें, तो 7.3 का क्या होगा, डेसिमल के बाद क्या है 0.3 है, तो 0.3 कर देना, ठीक है 0.3, ठीक। और अब जैसे अपन लोग देखते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव का था, और इंटीरियर मामले से तुमको सिखाया कि इंटीरियर अगर तुम फ्रैक्शन पार्ट लोगे जीरो आएगा, जैसे अगर तुम 1 का अगर तुम फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो कितना आएगा जीरो आएगा, 2 का फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो जीरो आएगा, -2 का लोगे तो जीरो आएगा, मतलब किसी भी इंटीरियर पार्ट का अगर तुम फ्रैक्शन पार्ट लोगे, इंटीरियर का तुम किसी का भी फ्रैक्शन पार्ट लोगे तो क्या आ रहा है जीरो आ रहा है ना। अब चलो निगेटिव का बताते हैं, निगेटिव का डिस्कस करते हैं, मान लो तुम्हारा है 6.2, ठीक है, -6.2 इसका निकालना है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम क्या देखो पहले पॉइंट के आगे का ही देखो, क्या करो पॉइंट के आगे का देखो, ठीक है, नोट बाद में करना कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के आगे का देखो, ठीक है, और पॉइंट के आगे तुम्हारा क्या है 0.2 है, लेकिन निगेटिव नंबर है, तो तुम क्या लिखोगे लास्ट में, 1 से क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 0.2, 0.8 आएगा 0.8। अब अगर तुम देखो माइनस मान लो 7.4 है,
तुमको अगर इसका डियर पार्ट निकालना है तो क्या आएगा इसका -7.4 है, तो तुम्हारा पॉइंट क्या है 0.4 है, और वन में से क्या करोगे तुम निगेटिव बचोगे, इसलिए क्या करोगे वन में से क्या करोगे पॉइंट फोर क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कितना आएगा 0.6 आएगा ना। हाँ तो 0.6 आया, तो मुझे लगा तुमको पता तो चल ही गया होगा, क्लियर हुआ कि किसी का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालते हैं। तो तुमको लिखा तो तुम कहीं कोने में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर तुम जैसे यहाँ पे नहीं लिख सकते हो कि हाँ अपने संभाले के लिख सकते हो कि किसी अगर निगेटिव नंबर का फ्रैक्शन पार्ट निकालना है तो क्या करेंगे पॉइंट के आगे का नंबर देखेंगे और उसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज को बोलना आराम से वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर जैसे -7.4 है तो इसमें क्या निगेटिव नंबर है तो निगेटिव आगे क्या 0.4, तो 0.4 है तो वन में से 0.4 गया तो कितना 0.6 आंसर हो गया, ठीक है। अगर पॉजिटिव तो डायरेक्टली लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो क्या डायरेक्टली पॉइंट के आगे का नंबर लिख देंगे, ठीक है। 7.3 है तो 0.3, अगर कोई इंटीजर नंबर है तो 8 मतलब के लिए तो 0 लिखो, ठीक है। ठीक, तो ये था इसका सॉल्विंग, ठीक है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब तुम एक चीज देखो यार, एक चीज अब करोगे कि नहीं करोगे, अगर तुम देख रहे हो जो भी तुम्हारी वैल्यू आ रही नाम क्यों रखा हो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन मतलब नाम ही क्यों रखा हो तुम बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट का नाम क्यों रखा हो मतलब क्या फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन क्या मतलब, फ्रैक्शन मतलब क्या जो हमेशा वैल्यू क्या आती है, फ्रैक्शन मतलब 0 से 1 के बीच आती है, बाय द वे इसमें वैल्यू 0 भी आ रही है, तो तुम देखोगे तो जो भी तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जैसे मान लो इंडिया के केस में क्या है 0 आया है ना, और बाकी अगर नॉन इंडिया का केस होगा तो क्या है कोई कुछ पॉइंट में आ रहा है, कभी कभी सुना क्या ऐसा कहीं हो जाए 1 या कहीं तुम्हारी वैल्यू 2 आ रही है फ्रैक्शनल पार्ट की, कहीं ऐसा सुना आएगी नहीं, ठीक है। तो ये चीज तुम नोट डाउन करो, ठीक है, या तुम ऐसा कोई नंबर अपने मन से लेना, एक काम करना आराम से तुम लेके बैठना, तुम मुझे कोई ऐसा नंबर बता दो जिसमें तुम्हारी वैल्यू सच में 2 या 3 आ जाए किसी का फ्रैक्शनल पार्ट ले लेके, कोई नंबर बता दो, कोई नंबर ऐसा मिलेगा तुम कोई भी नंबर पूरे रियल लाइन के ले लोगे हमेशा उसकी वैल्यू तुम सुनो 0 से 1 के बीच आएगी, कोई भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट ले लोगे, ठीक है। अभी तो इसको थोड़ा नोट डाउन करने का काम करो, आराम से नोट डाउन करो, जगह बना देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज तुम देखे आप खुद ही सॉल्व कर दो इतना सारा, तुम क्या देख रहे हो या तो 0 आ रहा है तो कुछ पॉइंट में करके आ रहा है, ठीक है, या तो 0 आ रहा है या तो कुछ पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई नंबर आता ही नहीं है, ठीक है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में और कोई चांस भी नहीं नंबर आने का, ठीक। जैसे तुम ले लो, जैसे तुम लोगे, अगर तुम जैसे तुम ले रहे हो मान लो तुम नंबर लोगे कुछ भी नंबर अपने मन से रैंडम लिया, तुमने 0.3 आया, माइनस अगर तुमने 0.3 लिया तो 0.7 आ गया, ठीक है। तुमने 0 ले लिया तो 0 आ गया, 1 ले लिया तो 0 आ गया, 6.7 ले लिया तो क्या आ गया 0.7 आ गया, मतलब तुम कोई भी नंबर उठा रहे हो क्या आ रहा है हमेशा 0 से 1 के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है ये हमेशा 0 से लेकर के, अगर तुम देखो ये अगर तुम्हारे साथ रेंज देखना है मतलब ये कोई किसी अगर कोई भी अगर एक तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट है तो उसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच आ रही है 0 से 1, लेकिन हाँ 1 नहीं आ रही इसलिए मैं इसको ओपन लगा रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट आपका कंसिडर करने वाला है, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है 1 पे मैं क्या कर रहा हूं ओपन लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं क्योंकि किसी का भी फ्रैक्शन पार्ट 1 नहीं आएगा, बट 0 आ सकता है। किस केस में आएगा अगर वैल्यू इंटीजर हो, ठीक है, अगर कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट 0 आएगा, बाकी वैल्यू 0 से 1 के बीच तो खूब सारे नंबर आ सकते हैं, कोई भी 0.6, 0.7, ठीक है। तो ये आपका नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, ठीक है, ये आप नोट कर लो कि अगर किसी की किसी फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है फंक्शन का उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच पड़ती है, ठीक है। और ये आपने बाय एग्जांपल देखा, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हाँ लेकिन दिमाग में रखना है ये, कभी एग्जाम में कभी कभार छोटे मोटे एग्जाम से पूछ लेता है, ठीक है, तो चीजें आना जरूरी होती है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो नोट डाउन किया, अब देखो मैं चीजों तुम्हें बता रहा हूं, तो एक चीजों नोट डाउन तुमको पता चल गया है, वो फायदे में पता चल गया तुमको। अगर मैं बोलूं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, जहां पे एक्स क्या है तुम्हारा इंटीजर है, कैच इंटीजर है, तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, अभी सीखे 0 सीखे, लिख लो इसको भी, लिख लो ना क्या दिक्कत है, मतलब बाद में तुमको नहीं तो पूछो भी क्या हो गया, ठीक है। मान लो कभी एग्जाम से पूछ लेता है छोटे मोटे जगह पे, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है, बाय द वे जेई में नहीं, इसके एप्लीकेशन ही जेई में पूछेगा, बट छोटे मोटे एग्जाम जरूर पूछ लेता है, ठीक है, कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी तो कब होगी, जब एक्स बिलोंग्स टू आई होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें नोट डाउन करने वाली है, ठीक है, ठीक। तो लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा रिजल्ट है उसको देखेंगे, ठीक है।
वो अभी तक तो आपने नोट कर लिया होगा, कर लो कोई दिक्कत नहीं, करो करो कर लो, हो गया हो गया। कोई इसमें टेंशन नहीं है, अगर तुम्हारा नहीं भी होता है का तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। अब अगर तुमको एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे तुमने ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शनिंग केस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर कोई एन नेचुरल नंबर होता क्या होता था, इसमें एस फोर एम लिख के अलग कर देते थे, है ना, जहां पर क्या तुम्हारा कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है, ये तुमको तो पता ही होगा, पता ही नहीं, रिजल्ट याद है, भूल गए, अभी एक लेक्चर पहले बताया था, याद होना चाहिए आई थिंक तो, अगर मैं डेराइव कर सकते एग्जाम्पल लेके, बट दिमाग होना चाहिए, क्योंकि सॉल्विंग में पढ़ा था ना, सॉल्विंग अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज किया इसको, तो चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, अब चलो अगर हम लोग इसका निकाल के देखते हैं इसका क्या आएगा, अगर तुमको कहता है एक्स प्लस एन का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या आएगा, है ना, चलो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है, आप हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस एन का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो मुझे नहीं मालूम, तो क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं, ठीक है, एक्स प्लस एन का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो तो क्या होगा, ये यही होगा, एक्स प्लस एन माइनस ऑफ, है ना, ये डेफिनेशन बताई है मैंने आपको, ये कुछ और बताई मैंने ये डेफिनेशन बताई थी आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है, यही होता ना, तो बस इसी को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस एन और माइनस ऑफ, और इसका भी तुमने सीखा, ये क्या है, ऊपर देखो कल करके लेक्चर पढ़ा, इसको ओपन कर लो, क्या ये इसको इस बारे ब्रैकेट में कर लेता, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, यही होगा ना, हाँ, अब अगर ये होगा तो ओपन कर लो इसको, माइनस हटा लो, ब्रैकेट ब्रैकेट हटा लो, ठीक है, कोई दिक्कत, और ये देखो एन एम क्या हो गया, कैंसल हो गया, और क्या आ गया, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो तुम सीखे होगी अभी, ये क्या होता है, ये यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, है ना, तो अपन ने फाइनली क्या निकाल लिया यार, अपने रिजल्ट पे पहुंच गए, क्या रिजल्ट पहुंच गया, अगर एक्स प्लस एन है और अगर उसका इंटीग्रल पार्ट लोगे, क्या लोगे, इंटीग्रल पार्ट लोगे, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत है, अब कुछ लोग बोलते हैं किसको मानेंगे नहीं, तो नहीं मान तो एग्जाम्पल लिया करो, जब भी कोई चीज मानने का मन नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है, बट एक एग्जाम्पल ले लिया करो तो मानने का मन करेगा आपका, चलो मैं एग्जाम्पल लेके इसको दिखा देता हूं, ठीक है, नोट कर लियो, तुमको देखा ना कि ये जो आया सॉल्व करके देखा ना, कुछ ये तो नहीं है कि तुमको शक हो रहा है, कि मैंने आपको सॉल्व आपने खुद सॉल्व किया इसको, आपका यही आया, अब आया तो चलो देखते हैं कोई नंबर लेके देखते हैं, जहां पे एन क्या मैंने ऑलरेडी बता के रखा है इंटीजर, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मानेंगे ना, मत मानो भाई मत मानो, तो मैं काम करो एक्स बराबर 1.2 ले लो, एन बराबर 2 ले लो, कोई इंटीजर तो मान लो 1 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी आई थिंक सो, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 1+1.2 की वैल्यू जो होनी चाहिए वो नहीं चाहिए तुम्हारी 1.2 के बराबर, है ना, इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना, तो भाई बाबा इसकी वैल्यू क्या आएगी 2.2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.2, क्या बराबर होगा देखते हैं, अगर होल्ड कर गया तो क्वेश्चन सही है भाई, मतलब 2.2 का क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट, मैंने क्या बताया किसी का भी कोई भी पॉइंट है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, हमेशा पॉइंट के बाद देखते हैं ना, पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉजिटिव नंबर तो पॉइंट के बाद देखेंगे, निगेटिव होगा तो क्या होगा पॉइंट के बाद ही देखेंगे बट 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इंटीजर होगा तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर में क्या करेंगे हम लोग पॉइंट का जो पार्ट होगा वही लिख देंगे, तो क्या होगा ये 0.2 होगा, और राइट में क्या आएगा पॉइंट के बाद होगा 0.2, तो 0.2 बराबर 0.2 सही है क्या, सही आया ना, तो मतलब ये रिजल्ट जो गलत है क्या, तुमको चाहे तो और नंबर भी ले लेना, तुम निगेटिव में भी ले लेना, सबका आएगा भैया, तुम लोग अपने मन से लो, एक्स बराबर -1/2 -1.2 ले लो।